धर्मशास्त्र में पितरों का बहुत खास स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि में पितर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृत्यु के बाद पितरों को मोक्ष मिल जाता है या उनका पुनर्जन्म हो जाता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह लगता है कि उनके पितर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। ऐसे तो पितर की आत्मा की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का महीना सबसे सही और उत्तम माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अपने पितरों का श्राद्ध कर देने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पर अगर आपको लगता है कि आपके पितर को मोक्ष नहीं मिला है तो आप अन्य दिनों में भी कुछ उपाय कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न झा बताते हैं कि जिस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं, पितर उसी प्रकार अपना नाम पुकारे जाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पितर को मोक्ष नहीं मिला है, उन्हें चाहिए कि वह गीता का पाठ करें। इससे पितर की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। ये भावना की बात है। लोगों को शास्त्र में बताया जाता है कि वाक्यं भुक्षन्ति पितरा भाव भुक्षन्ति देवता। देवता भाव को भूखे होते हैं, भाव से उनको पुकारें, भाव से बुलावें। जो भी करेंगे भावना में आकर के अगर अश्रु भी अगर निकलता है तो वह शुभ ही माना जाता है। और पितरों का अगर कोई पूजा करें, जितने वाक्य बोलें, जितने उसके पुकारें, जितने वाक्य बोलें, उसे पितर लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वाक्यं भुक्षन्ति पितरः भाव भुक्षन्ति देवता। देवता भाव के भूखे होते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ऐसे तो गीता में 18 अध्याय होते हैं, और पितर की आत्मा की शांति के लिए उन 18 अध्याय का पाठ करना चाहिए। पर अगर आप 18 अध्याय का पाठ करने में सक्षम नहीं है तो गीता का 7वां अध्याय, जो पितृ मुक्ति का अध्याय है, उसका पाठ जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को हमेशा घर की दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। कभी भी उनके फोटो को मंदिर, बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति और वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, पितर की फोटो ऐसे किसी जगह पर नहीं लगाएं जहां पर आपकी नजर उन पर हमेशा पड़े। उन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक भी चलाना चाहिए, और ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पंडित झा ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में पितरों को खुश करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, और कहा जाता है कि अगर उनका आशीर्वाद बना रहे तो परिवार हमेशा उन्नति करता है। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।